हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टॉप 10 बेस्ट लव स्टोरी मूवीज के बारे में जिनकी एंडिंग अनएक्सेप्टेबल है। नंबर 10, सनम तेरी कसम। मूवी की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है उन लोगों को पता है कि फिल्म क्या मास्टरपीस है। इस मूवी की लीड कास्ट में हर्षवर्धन राणे और पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा बुकिन है। ये मूवी जियो सिनेमा और यूट्यूब पर अवेलेबल है और इस मूवी की रेटिंग 7.6 है। नंबर 9, आशिकी जो। ये मूवी बहुत लोगों ने देख रखी होगी। अगर मैं इस मूवी को इस लिस्ट में नहीं रखता तो बहुत लोग नाराज हो जाते। इस मूवी की लीड कास्ट में आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर है। ये मूवी फिलहाल किसी OTT पे अवेलेबल नहीं है, तो आप अपना जुगाड़ लगा लेना और इस मूवी की रेटिंग 7.0 है। नंबर 8, हमारी अधूरी कहानी। इस मूवी को बहुत लोगों ने नहीं देखा है। जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देख रखा है उन लोगों को मैं बता दूं कि मूवी क्या मास्टरपीस है। इस मूवी की लीड कास्ट में इमरान हाशमी, विद्या बालन और राजकुमार राव है और ये मूवी Amazon Prime पे अवेलेबल है और इस मूवी की रेटिंग 6.7 है। नंबर 7, तड़प ओ भाई, क्या एक नंबर मूवी है। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, इस मूवी की एंडिंग तुम लोगों ने कभी गैस नहीं की होगी। इस मूवी की लीड कास्ट में तारा सुतारिया और अहान शेट्टी है। ये मूवी डिज्नी हॉटस्टार पर अवेलेबल है और इस मूवी की रेटिंग 5.1 है। नंबर 6, शिद्दत भाई। भले ही इस मूवी को तुम फैमिली के साथ ना देख सको पर मूवी को तुम अकेले जरूर देखना। इस मूवी की लीड कास्ट में सनी कौशल और राधिका मदन है और ये मूवी डिज्नी हॉटस्टार पे अवेलेबल है और इस मूवी की रेटिंग 7.6 है। नंबर 5, धड़क। जानवी कपूर ने धड़क से अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी और इस मूवी की एंडिंग अनएक्सेप्टेबल है। इस मूवी की लीड कास्ट में जानवी कपूर और ईशान खट्टर हैं और ये मूवी थी 5 और अमेजन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है और इस मूवी की रेटिंग 4.6 है। नंबर 4, एक विलेन। भाई ये मूवी बहुत लोगों ने देख रखी है और इस फिल्म का पार्ट 2 भी आया है, लेकिन इसका पार्ट 2 मैं तुम्हें कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि यह पार्ट 2 बहुत ज्यादा ही वाहियात है, लेकिन पार्ट 1 रिकमेंड जरूर करूंगा। इस मूवी की लीड कास्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा और श्रद्धा कपूर है और ये मूवी डिज्नी हॉटस्टार पर अवेलेबल है और इस मूवी की रेटिंग 6.5 है। नंबर 3, सीतारामम। ये एक बेस्ट मूवी है जो मेरे हिसाब से तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी की लीड कास्ट में मृणाल ठाकुर, दुलकर सलमान और रश्मिका मंदाना है और ये मूवी अमेजन प्राइम और डिज्नी हॉटस्टार पर अवेलेबल है और इस मूवी की रेटिंग 8.6 है। नंबर 2, शेरशाह। वैसे तो ये एक एक्शन मूवी है, लेकिन अगर तुम इसकी लव स्टोरी पर फोकस करो तो ये एक मास्टरपीस है। इस मूवी की लीड कास्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी है। ये मूवी Amazon Prime पर अवेलेबल है और इस मूवी की रेटिंग 8.3 है। नंबर 1, केदारनाथ। ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत की है। भाई ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। साल 2013 में रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के आसपास बढ़ता आतंक। 16 जून 2013 यानी ठीक 10 साल पहले उत्तराखंड में बादल फटने से आई विनाशकारी बाढ़ ने कई शहरों और गांवों को तबाह कर दिया। इस बाढ़ में हजारों की संख्या में लोग बह गए जिनमें से कई लोगों की बॉडी कभी मिली ही नहीं। ये मूवी थी 5 पर अवेलेबल है और इस मूवी की रेटिंग 6.7 है।